हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके ऑनलाइन स्टोर का, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके ऑनलाइन स्टोर का, जिसके बिना आपका ऑनलाइन स्टोर आप कह सकते हैं अधूरा है। जैसे कि चैट बॉट। तो चैट बॉट कैसे ऐड करें अपनी ऑनलाइन स्टोर में, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत सारे चैट बॉट्स वेंडर्स मैंने देखे, लेकिन जो मैंने लगाया है अभी बहुत ही इजी है, बट ये 14 डेज़ के फ्री ट्रायल पे है। आप 14 डेज़ के बाद आप पे करके इसे रेगुलर कर सकते हैं, अगर आपको इसकी सर्विस अच्छी लगती है तो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चैट बॉट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका मैसेज, ये फर्स्ट टाइम पूछेगा एंड देन हम सेंड करेंगे एंड देन हम चैटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सर्वर स्टार्ट कर लेना है, डन। और यहाँ पे मैं अपना मेजेंटो स्टोर ओपन कर लेता हूँ, यस डन। देन न्यू टैब में एडमिन डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे क्या लिखना है, लोकल होस्ट मेजेंटो एडमिन, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपका एडमिन डैशबोर्ड भी ओपन होने वाला है। ओके, तब तक मैं बात करता हूँ कि हम किस वेंडर की बात कर रहे हैं, जिस वेंडर को यूज़ करके हम चैटबॉट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन पे क्लिक करता हूँ। इंटरनेट डिसकनेक्टेड है, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। ओके, सो साइन इन हो रहा है, ये एडमिन डैशबोर्ड हमारा आने वाला है और मैं यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया, अपना इंटरनेट कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारे सामने है एडमिन डैशबोर्ड और इस एडमिन डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं समथिंग रॉन्ग, नो वरी, देयर इज नो इशू। हमें करना क्या है, तो हमें इसमें लास्ट में ऐड करना है। पहले हमें उस वेंडर के पास जाना है जिस वेंडर से हम चैट बॉट यूज़ करने वाले हैं, वेंडर का हम चैट बॉट यूज़ करने वाले हैं। तो वो वेंडर का नाम है userlike.com। ओके, तो यहाँ सर्च करेंगे userlike.com और आप सर्च करेंगे, ये आप, ये वेंडर है जो आपको चैटबॉट प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ, डैशबोर्ड में ऑलरेडी लॉगिन हूँ बट मैं एक अकाउंट बनाता हूँ सबसे पहले, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करते हैं तो हमें, हमारे पास अकाउंट नहीं होगा। मैंने लॉगआउट किया और एक अकाउंट बनाते हैं फ्रेश। कैसे बनाना है अकाउंट, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं स्टार्ट योर 14 डेज फ्री ट्रायल। ओके, ये कुछ इशू है हमारे इंटीग्रेशन में IDM के, सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये मेजेंटो का जो ऑनलाइन, ये जो चैट बॉक्स है यूज़र लाइक का, ये आपके लिए 14 डेज के फ्री ट्रायल पे है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पहले हम इंटीग्रेशन देख लेंगे, सर्विस देख लेंगे, अगर अच्छा लगता है तो हम पेमेंट कर लेंगे, देयर इज नो इशू। क्योंकि जो पेड होते हैं उनमें थोड़ी सी सर्विसेज और थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा होता है वेंडर की तरफ से, राइट। तो अपना फर्स्ट नेम दे दीजिए, मैंने दिया फर्स्ट नेम भूषण और कुमार लास्ट नेम दे दिया और मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया। अगर आपको कुछ फाउंडर नोट्स चाहिए तो आप कर सकते हैं, आपको फाउंडर नोट्स भी मिलेंगे मेल पे। मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपको एक अपना मनपसंद यूज़र नेम दे देना है आपको। यहाँ पे मैंने दिया आईबी कुमार और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, ये बोल रहा है यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी यूज़ में है आईबी कुमार, ठीक है। तो मैंने भूषण लिख दिया, भूषण, और पासवर्ड मैंने दे दिया, यू कैन सॉरी पासवर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे समथिंग। ओके, और ये पासवर्ड मैं यूज़ करूँगा लॉगिन टाइम पे।
तो भूषण मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड मैंने एक डाल दिया है, आप अपने पसंद का एक पासवर्ड डाल सकते हैं। नेक्स्ट किया, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे कंपनी का नेम। तो मैंने लिखा कंपनी का नेम, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, टेक्स आईबी कुमार चैनल का नाम लिख दिया, या हमारे ऐप का नाम है टेक मैन, तो मैंने ये लिख दिया कंपनी का नाम। 1 to 9 एम्प्लॉय हैं हमारे पास, वी कैन राइट हियर। इंडस्ट्री कौन सी है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, हमने चूज़ की। आई एम नॉट अ रोबोट, मैंने ये कैप्चा एक्सेप्ट किया और मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। आपको थोड़े से टाइम में ये आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा और हम इजीली इस यूज़र लाइक के डैशबोर्ड को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स ट्रिप्स मिल रहे हैं, आप टिप्स को यूज़ कर सकते हैं इस डैशबोर्ड को यूज़ करने में, ठीक है। तो जैसा कि अभी मुझे मालूम है तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बट आप चाहें तो गो थ्रू हो सकते हैं, लेट्स गो। और ये आपको फर्स्ट लुक में आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसने कहा मेन मेन्यू है ये, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये होम मेन्यू है, ठीक है। बैक पे क्लिक कर सकते हैं, मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो मुझे हिंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जैक्टली स्टेप्स मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ। आपको अगर जानना है इनके बारे में डिटेल में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अपने केस में लीव कर रहा हूँ, यस लीव। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है कॉन्फिग सेक्शन में, विजिट सेक्शन में, गए विजिट सेक्शन में। अब आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, हम वेबसाइट पे ही तो चैटबॉट लगाने वाले हैं, तो वेबसाइट यहाँ पे आपको जाएंगे, वेबसाइट पे जस्ट क्लिक कर देंगे आप, और यहाँ पे जनरल टैब सेलेक्टेड है, वेबसाइट का नाम दे देंगे। तो सपोज मेरी वेबसाइट का नाम है, अभी फ़िलहाल हमारा URL क्या है, लोकल होस्ट मेजेंटो, यही URL है। और हम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट है। किस लिए हम चैटबॉट यूज़ करना चाहते हैं, तो सपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, टेक सपोर्ट दे पाएँ अपने यूज़र्स को, टेक ही नहीं कोई भी सपोर्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड सपोर्ट, कोई भी किसी भी टाइप का सपोर्ट जो अपनी वेबसाइट रिलेटेड है हम देना चाहते हैं। तो हमने टॉपिक सपोर्ट चूज़ किया, अपडेट विजिट करेंगे आप, ओके। मैसेज शेयरिंग की आपका जो है CDN क्रिएट हो चुका है, ओके। तो हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल ओके करना है, ओके। अब नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक स्टॉल नाम का सेक्शन मिलेगा, स्टॉल पे क्लिक करना है, और यू कैन सी हेयर JavaScript विजिट कोड, इस पर क्लिक करना है आपको। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आफ्टर कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस यूजर लिंक विजिट कोड इनटू योर वेबसाइट यू आर रेडी टू चैट विद योर वेब विजिटर्स। वाव, मीन्स जो हम चाहते थे वो काम हो जाएगा अगर ये कोड हम पेस्ट कर दें अपनी वेबसाइट में, तो ये काम करते हैं। तो इसको कॉपी करना है, तो या तो सेलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस कीजिए या कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, कॉपी हो गया। अब बस मुझे जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना होगा मैं Ctrl+V या पेस्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं कहाँ पे, अपने मेजेंटो के डैशबोर्ड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फिग पे जाना है, विजिट्स पे जाना है, आपको वेबसाइट पे जानी थी तो यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट आ रही है बिकॉज हमने एक बार क्रिएट कर चुके हैं। जनरल पे जाना है और यहाँ पे स्टॉल पे जाना है, JavaScript विजिट कोड, और ये आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, डन। अब जाना है हमें मेजेंटो के एडमिन डैशबोर्ड में, और बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको परफॉर्म करना है। आपके पास है कंटेंट, कॉन्फ़िगरेशन, और आपको अपनी वेबसाइट में वो कोड जो आप कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट करना है। तो एडिट कर लेते हैं मेन वेबसाइट को, यस, एडिट। और एडिट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम इसको, और स्क्रॉल करने के बाद हम जाएंगे फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मिसलेनियस एचटीएमएल। आपको वो कोड जो आपने यहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे मिसलेनियस एचटीएमएल में पेस्ट कर देना है। सिंपल, कंट्रोल वी मैंने कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो कोड जो मैं वहाँ से लेके आया था राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, ठीक है, और जस्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक टास्क और नहीं भूलेंगे आप, कैशे को क्लियर करना ना भूलें, कैशे मैनेजमेंट में जाएं और यहाँ पे फ्लश मैजेंटो कैशे पे क्लिक करें। तो ये जो कॉन्फ़िग है टैग, वो देखिए यहाँ पे स्टेटस इनवैलिडेटेड दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इनेबल्ड हो जाए। तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स में ये आपका इनवैलिडेटेड से इनेबल्ड हो जाएगा और फिर हम जाके अपने फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो ये इट इज टेकिंग टाइम, इट यूजुअली टेक टाइम, डोंट वरी, कैशे क्लियर होने ही वाला है। ओके, तो हमने जो एक्सटेंशन यूज़ किया है वो userlike.com का किया है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, और आप उससे जाके इसे यूज़ कर पाएंगे। स्टेप्स भी मैं वहाँ पे लिख दूंगा, आप वहाँ पे भी देख पाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं हम, यहाँ पे देखो आपका फ्लश हो चुका है और ये इनेबल भी हो चुका है, ठीक है। तो कैशे फ्लश हो चुका है, इनेबल हो चुका है कॉन्फिग। अब हम जाएंगे अपने स्टोर में और यहाँ पर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद कि हमारे पास चैट बॉट राइट साइड में आ चुका है। प्लीज़ लीव अ मैसेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एज अ व्यूअर यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिखना है पहले, मान लो मैं व्यूअर हूँ और मेरा नाम जो है राज है, और मेरा ईमेल एड्रेस raj123@gmail.com है, और मैंने यहाँ पे लिखा कोई मैसेज, हाय योर मैगी सेक्शन नूडल सेक्शन इज आउट ऑफ स्टॉक, व्हेन विल बी इन स्टॉक, कैन यू टेल मी व्हेन इट विल बी इन स्टॉक। राइट, सो आपने यहाँ सबमिट कर देना है, सबमिट किया। अब ये मैसेज मेरे इस डैशबोर्ड में पहुँच चुका होगा। कैसे कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए चैट पैनल ऑप्शन है, ये सिर्फ पैनल चैटिंग के लिए ही दिया हुआ है कि आप जितने भी यूज़र्स चैट करेंगे आप उनको यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या वो क्या मैसेजेस आपको सेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटर्स पे क्लिक करना है, भूषण कुमार पे क्लिक करना है जो आपका यूज़र नेम है, राइट, ओके। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मुझे ये मैसेज न्यू मिलते हैं, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक न्यू मैसेज मिलता है। फॉर अस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स नॉट आर स्टेक होल्डर्स इट इज़ आर कस्टमर, वी आर इन बिजनेस टू सर्व द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ योर कोर कस्टमर बेस, के जॉन मैकी ने कहा है। सो नो वरी, हमें उसे चेक नहीं करना है, ओके, बट दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, आई लाइक ऑलवेज, मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू मैसेज मिलता है। नाउ तो यहाँ पे ऑपरेटर्स पे क्लिक किया, राइट, ऑपरेटर्स पे कोई ऑप्शन नहीं आया, ओके, नो वरी। हम यहाँ पे जाते हैं, चैट पैनल में है सब कुछ तो ठीक है, राइट, यहाँ पे मैसेज हमने सबमिट कर दिया था,
मैं यहाँ पे, हेलो, यू आर टॉकिंग टू भूषण कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू। भूषण कुमार नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, ऑटोमेटिक इसने मैसेज भेज दिया। देखो राज का मैसेज मेरे पास आ गया। ओके, मैंने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे ही राज ने सबमिट किया, ठीक है, तो इस चैनल से, इस यूज़र लाइक डैशबोर्ड से ऑटोमेटिक एक मैसेज चला गया, हेलो यू आर टॉकिंग टू भूषण कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ रिप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरा सपोज मेरी ऑनलाइन स्टोर है और मैं अपने व्यूअर को रिप्लाई करना चाहता हूँ। यस सी दिस इज अ मैसेज, और मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि राज की तरफ से है, राज का ईमेल आईडी ये है, और मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ, श्योर इट विल बी अवेलेबल टुमारो। सपोज थैंक्स फॉर विजिटिंग आर वेबसाइट, मैंने लिखा इट विल बी अवेलेबल, मतलब मैगी की बात कर रहे हैं, मैगी की, उसने पूछा था क्या मैसेज, मैसेज क्या था राज का, तो राज का मैसेज था मैगी के रिलेटेड, तो नो इशू, हमने थैंक्स फॉर विजिटिंग जस्ट एक मैसेज भेज दिया। तो चेक करते हैं क्या उसे मिला, क्या राज को, व्यूअर को, मेरे व्यूअर को ये मैसेज मिला, यस थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। मैंने लिखा कैन यू टेल मी वेन नूडल्स विल अवेलेबल इन योर स्टॉक, इन योर स्टॉक, एंटर किया, और यहाँ पे हम इजिली चेक कर पाएंगे। देखो कैन यू टेल मी वेन नूडल विल बी अवेलेबल इन योर स्टॉक, और यहाँ पे हमने मैसेज में कर दिया यस मोस्ट प्रोबेबली टुमारो विल बी अवेलेबल, टुमारो विल बी इन स्टॉक। मैसेज किया, ये मैसेज राज के पास चला गया, गो यस थैंक्स थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, यस। तो बहुत ही इजीली हमने एक चैटबॉट रेडी कर लिया है और हम उसे अपने मैजेंटो स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको वीडियोस इस तरह के मिलते जाएं। आप जब यहाँ पे व्यूअर क्लोज करेगा तो यहाँ पे फीडबैक का भी ऑप्शन है, तो फीडबैक भी दे सकता है कि यस मुझे आंसर मिल गया, राइट डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इजिली, बहुत ईजिली चैट बॉक्स इंटीग्रेट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।